भदंत राजरत्न महाथेरो यांनी आयोजित केलेल्या 32व्या नाही का भदंत राजरत्न यांनी आयोजित केलेल्या 32व्या आणि वर्धेत होत असलेल्या 9व्या धम्म परिषदेला उपस्थित असलेला सर्व भिक्खू संघ, या धम्म परिषदेचे अध्यक्ष भदंत शांतरक्षित महाथेरो कोंडवर्धा, मुख्य मार्गदर्शक माननीय राजरत्न आंबेडकर साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर जागतिक धम्म परिषदेमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलेले पहिले राजरत्न आंबेडकर साहेब यांचा आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून अभिनंदन करायचं आहे. या कार्यक्रमाचे सत्कारमूर्ती राजाभाऊ टाकसाळे सुहासभाऊ थूल, स्वागताध्यक्ष जे नेहमी मदत करतात पण धम्म परिषदेला उपस्थित नाहीत ते डी के पाटील साहेब, राजेश ढाबरे, प्रजापाल शेंद्रे, विकास भालांदरे, डॉक्टर राजकुमार शेंडे, माननीय प्रदीप मराळे साहेब, गजानन जाधव, विशाल मानकर, ॲडव्होकेट अरुण मोहोळ, वैभव कांबळे, दिलीप माटे, महेंद्र गेडाम, अनुप कुमार, बी एस पाटील, आयुष्यमान डोएजी आणि आयोजक भदंत राजरत्न या सर्व महानुभावांना मी त्रिवार वंदन करतो. आजच्या ह्या धम्म परिषदेचं उद्घाटन आपल्या सगळ्यांच्या सहभागाने, आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत भिक्खू संघांच्या नेतृत्वाखाली भदंत शांतरक्षित महाथेरो यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि माननीय राजरत्न आंबेडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये या धम्म परिषदेचं उद्घाटन झालेलं आहे असं मी जाहीर करतो. मित्रांनो, धम्म परिषद आपण दरवर्षी घेतो. धम्माचं आचरण कसं असावं, काय असावं, समाजाला पुढे नेण्यासाठी भिक्खू संघ सतत प्रयत्नशील असतो. या भिक्खू संघाच्या पुढाकाराखाली हा समाज दिवसेंदिवस एक एक पाऊल धम्माच्या बाजूने आणि त्याचबरोबर समाजाचं स्थान टिकावं यासाठी आपल्या सगळ्यांना दिवसेंदिवस एक एक पाऊल पुढे नेण्याचा प्रयत्न हा भिक्खू संघ करतो आहे. या भिक्खू संघाच्या कष्टाला काही सीमा नाही, या भिक्खू संघाच्या प्रयत्नांना काही किंमत नाही. असामान्य असं ही संबंध मंडळी कष्ट घेत असते पण त्यांचे अनुभव जे आज भदंत राजरत्नजी यांनी या ठिकाणी नमूद केले, अजूनही वेगवेगळ्या धम्म परिषदांमध्ये हा विषय पुढे येतो. समाजाला भिक्खू संघाकडून काय अपेक्षित आहे हे कायम चर्चेमध्ये सुद्धा आम्ही ऐकत असतो पण तोंडाची वाफ वाया घालवणे आणि स्वतः कष्ट करणे यामध्ये जो फरक आहे तो फरक सातत्याने आम्हाला दिसतो आहे. भिक्खू संघ कष्ट करतो, भिक्खू संघ आपल्यापर्यंत आला, आपण सगळे इथं उपस्थित झालात, भिक्खू संघाच्या कष्टाला आपणही सहकार्य केलं, आपणही दान दिलं, आपणही आपली जबाबदारी पार पाडली, त्याबद्दल आपणा सगळ्यांचे मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो, आपल्या सगळ्यांना नमन करतो. आणि मित्रांनो, समाजामध्ये या बाबी चालू असतात, मी भंते राजरत्न जे आयोजक आहेत मी त्यांना असं सांगू इच्छितो की यांनी आपल्या कर्तृत्वावर कुठे परिणाम होणार नाही इथपर्यंत मनावर घ्यायची गरज नाही. आपण काम करत राहायचे आहे या परिवर्तनशील समाजासाठी. बुद्धांनीही त्रास घेतलेला आहे, त्यांनाही लोकांची बोलणी ऐकावी लागलेली आहे.
महात्मा फुलेजी यांनाही बोलणी ऐकावी लागलेली आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही बोलणी ऐकावी लागलेली आहेत। मित्रांनो, या सबंध महामानवांच्या पुढे आपण किस खेत की मुली आहे, आपण आपल्या मनामध्ये जनतेप्रती सद्भाव ठेवून जर काम करत असू तर चार गोष्टी कुणाच्या आपल्याला ऐकावा लागल्या, वेळ प्रसंगी कुणी शिव्या जरी घातल्या तरी नम्रपणे हात जोडून आपल्या कामासाठी, आपण सामाजिक कामासाठी जे कष्ट घेतो आहे त्या कष्टाचं माप हे आपल्याकडेच आहे, हे कुणी हिरावून घेणार नाही, त्यामुळे त्याची काळजी नसावी। एवढंच मी या ठिकाणी भिक्खू संघाला आश्वस्त करू इच्छितो, अभिवचन देऊ इच्छितो की कितीही अडचणी आल्या तरी आमचं जे हेतू आहे, उद्देश आहे, या उद्देशाप्रती आपण समर्पित आहात, या समर्पित भावनेने आपल्याला पुढे जायचं आहे। मित्रांनो, धम्म परिषदेमध्ये भिक्खू संघ आपल्याला धम्माच्या संदर्भामध्ये ज्या काही जाणीवा आणि नेणीवा आपल्या ते उंचावणार आहेत ते त्यांच्याकडून ऐकायचंच आहे। मित्रांनो, मी थोडं धम्माशिवायचं थोडं माझं मनोगत, माझ्या स्वतःला काय वाटतं आहे समाजाप्रती, मला स्वतःला काय वाटतं आहे या संबंध, आपला समाज जो या विशेषता देशात तर आहेच, महाराष्ट्रात तर आहेच, पण विशेषता विदर्भामध्ये जो बहुसंख्येने आपला समाज आहे, या समाजाकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टिक्षेपातला हा विदर्भ कसा तयार होऊ शकतो या दृष्टिकोनातून मी आपल्याला काही सुचवू इच्छितो, आपण ते थोडं ऐकून घ्यावं आणि या संदर्भामध्ये जर आपलं समाधान झालं तर या संदर्भातला आपण एक या बौद्ध धम्म परिषदेमध्ये ठराव घ्यावा, या पद्धतीनं मी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करतो। मित्रांनो, मित्रांनो, ही आपली वैदर्भीय भूमी, नागभूमी, ज्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्म आपल्याला दीक्षा देण्यासाठी ही नागभूमी निवडली, आपण मूळचे, आपण आपले पूर्वज या नागभूमीतली, या विदर्भ भूमीतले, या भूमीमध्ये राहणारा, शेतीवर जगणारा हा 80% समाज, आपण सगळे शेतीवर जगणारा हा समाज आहोत। आज जरी आपल्यापैकी कुणी नोकरी करत असेल, कुणी मजुरी करत असेल, पण आपल्या उत्पन्नाचं साधन आधी आणि आजही हे शेती आहे, आणि शेती ही या विदर्भातली नाही, या देशातली शेती नष्ट करण्याचं काम पांढरपेशा नेतृत्वाने केलेलं आहे। मित्रांनो, ही शेती नष्ट करणे म्हणजे या देशातला 80% समाज मागे नेणे आहे असं मी समजतो। मी सन्माननीय स्वागताध्यक्ष डी के पाटील साहेब यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी मंचावर यावं, आम्ही त्यांची वाट बघतो। आणि अनिल वाळकेजी यांनी सुद्धा या मंचावर यावं, आम्ही आपली वाट बघतो। तर मित्रांनो, हा शेती करणारा समाज उद्ध्वस्त करण्यामागचं राजकारण समजून घेतलं पाहिजे, या मागची भूमिका समजून घेतली पाहिजे। आज परिस्थिती अशी आहे, म्हणजे मी तर इथे बसलेल्यापैकी जे माझ्या पित्याच्या वयाचे वयोवृद्ध मंडळी जे मी बघतो आहे, हा शेतीवर जगणारा समाज, स्वतःची शेती स्वतः करत असणारा हा समाज, आज या संबंध व्यवस्थेमुळं, या राज्य व्यवस्थेमुळं अत्यंत अडचणीत आलेला आहे। विदर्भात 33,000 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत मित्रांनो, 33,000। आणि ह्या आत्महत्या ज्या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या झाल्या आहेत, त्या आत्महत्या बौद्ध धर्मीयांच्या झाल्या असं मी म्हणत नाही, या विदर्भात राहणाऱ्या या शेतकरी समाजाच्या झालेल्या आहेत। आणि या आत्महत्या या राजकीय व्यवस्थेच्या धोरणामुळे झालेल्या आहेत। मग ही धोरणं जी आहेत,
जी खऱ्या अर्थाने 80% समाजाला अडचणीत आणू पाहत आहेत, ही धोरणं खऱ्या अर्थाने ज्या राज्यव्यवस्थेने निर्माण केलेली आहेत, ही धोरणं कशी आम्हाला हळूहळू हळूहळू जसं दिमक लागते, जसं आपण काय म्हणतो त्याला मराठीमध्ये वाळवी लागते, तशी ही वाळवी या समाजाला, या 80% शेती करणाऱ्या समाजाला या राज्य व्यवस्थेनं लावलेली आहे मित्रांनो, की हा समाज हळूहळू हळूहळू अंताकडे कसा जाईल, हा हळूहळू विस्कळीत कसा होईल, हा हळूहळू स्वतःचं अस्तित्व कसं याचं संपवेल, या मार्गाने ही संबंध राज्य व्यवस्था सुरू आहे मित्रांनो. आणि याच्या मागचं तत्व त्यांनी जे स्वीकारलेलं आहे, या राज्य व्यवस्थेने जे स्वीकारलेलं आहे, हे तत्व मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मित्रांनो. यांचं तत्व आहे, तुम्हाला काडीचाही असा तो असा फटका देणार नाही, तुमच्या सहमतीनं तुम्हालाच कशी वाढवी लागेल या पद्धतीचं तंत्र त्यांनी विकसित केलेलं आहे मित्रांनो. मी साधं सोपं सांगतो, इथं बसलेला शेतीवर जगणारा समाज आहे, मी साधं सोपं विचारतो, यापूर्वी आमचा शेतीवर जगणारा समाज, या समाजाकडे ह्या कष्टानी स्वतःचं बी बियाणं, स्वतःचं खतमूत आणि स्वतःचे कष्टानी शेती पिकवणारा समाज, आज पुढच्या वर्षी हंगाम करायचा असेल तर शेतीचं कर्ज घेतल्याशिवाय शेती करू शकत नाही, इथपर्यंतची व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे मित्रांनो. मी माझ्या घरचा अनुभव सांगतो, तुम्हाला सगळ्यांना आठवेल, आमच्या आप्पाजींनी 250 एकर शेती मिळवली. 250 एकर शेती कशाला म्हणतात, आम्ही काय मालगुजार होतो का? पण ही 250 एकर शेती, मी 7व्या वर्गात होतो, आप्पाजीला विचारायचो, आप्पाजी एवढी शेती कशी मिळवली? आप्पाजी म्हणे कष्टाने मिळवली. म्हटलं कोणते कष्ट केले 250 एकर शेती मिळवली तुम्ही? म्हटलं तुम्ही सावकारी केली असान, नाही तर वावरात तुम्हाला हंडा भेटला असन. ते म्हणे बापू तसं नाही, मी कष्टानी केली. आणि ही कष्टानी कशी केली हे समजावून सांगा सांगितल्यावर त्यांनी मला समजावून सांगितलं, बी बियाणं आमचं होतं, खतमूत आमचं होतं, कष्ट आमचे होते, दरवर्षी चांगलं पिकलं चांगलं बियाणं आम्ही काढून ठेवायचो, ढोले भरून ठेवायचो, वर्षभराला घरी जेवढं अन्न लागतं तेवढं काढून ठेवायचं, बाकी बाजारात विकायचं, हे विकलेलं अन्नधान्य कपाशी वगैरे याची जी शिल्लक यायची, या शिल्कीच्या रकमेतून आम्ही दरवर्षी 2-5 एकराचे सौदे करायचो. ही त्यांच्या काळातली शेती. आणि पुढे काय झालं, बिना कष्टाने पिकणारी शेती या राज्य व्यवस्थेनं स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक व्यवस्था निर्माण केली, शेतीमध्ये संशोधन सुरू केलं, शेतीमध्ये बियाण्यांमध्ये असं संशोधन सुरू केलं. आणि मग शेतकऱ्यांपर्यंत आलं सरकाराने म्हणे संशोधित बियाणं वापरा. कारण काय तर जास्त पिकते, शेतकऱ्यांना लालूच दिली जास्त पिकण्याची, शेतकऱ्याचं बियाणं त्यांनी वापरू नये म्हणून सरकारनं संशोधित बियाणं आणलं. कारण काय तर शेतकऱ्याची शिल्लक बाजारात आली पाहिजे, यासाठी शेतकऱ्याचं जे त्यांचं परंपरागत बियाणं होतं ते संपवलं, संशोधित बियाणं आणलं. आणि हे संशोधित बियाणं जास्त पिकते म्हणून आम्ही मात्र आमचं बियाणं टाकून दिलं. मायबाप सरकार म्हणते म्हणून संशोधित बियाणं वापरा, आम्ही वापरलं. पहिल्यांदा शेतकऱ्याची शिल्लक बाजारात गेली बियाण्यासाठी. जे बियाणं शेतकऱ्याचं हक्काचं होतं त्याच्यासाठी शेतकऱ्याला पैसे खर्च करावे लागत नव्हते, आता शेतकऱ्याला दरवर्षी बियाणं बाजारातून आणावं लागतं. मग पुढे असं संशोधन केलं की हे बिल्लसभर पीक बाहेर येत नाही, तर बापू हे संशोधित बियाणं आहे, याले युरिया द्यावं लागते आणि सुफलाही द्यावं लागते. मग युरिया सुफलासाठी पुन्हा शेतकऱ्याची शिल्लक बाजारात गेली. आणि मग पात्या फुलावर येत नाही तर बापू फवाराही मारा लागते,
तिसरा खर्च शेतकऱ्याच्या मागे लावला फवाऱ्याचा, आणि जी बिन खर्चाची शेती आमच्या शेतकऱ्यांची होती ती इतकी खर्चाची केली की आता कर्ज घेतल्याशिवाय मित्रांनो शेती शेतकरी करू शकत नाही, इतक्या वाईट अवस्थेला या राज्यव्यवस्थेनं आणलेला आहे मित्रांनो। आणि त्यामध्ये आम्ही सहभागी आहोत, आणि हा आमचा सहभाग आम्हाला वाळवी सारखा खातो आहे, या सहभागामुळेच आम्हाला ही वाळवी लागलेली आहे मित्रांनो। पण राज्य सरकारच्या विरुद्ध तुम्ही आणि मी काय करणार आहे? ही व्यवस्था राज्य व्यवस्थेने निर्माण केली, ही लुटीची व्यवस्था खऱ्या अर्थाने या शेतीवर जगणाऱ्या समाजाला आहे, आणि त्यामुळे या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत मित्रांनो। या बाबीकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे, आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही नागभूमी निवडली कशासाठी? तर आम्हाला दीक्षा देण्यासाठी। या नागभूमीचं महात्म्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना माहीत होतं, बाबासाहेबांना माहीत होतं ते महत्व, त्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वातून सिद्ध केलं मित्रांनो। आता आपल्या ह्या समाजाला आपलं विदर्भ राज्य झालं पाहिजे यासाठी कर्तृत्व दाखवावं लागणार आहे मित्रांनो। बोला, करायचं का आपलं विदर्भ राज्य? पक्क हात वर करा बरं, कुणाकुणाला करायचं आहे? सगळ्यांना करायचं आहे। हा विदर्भ राज्य झाला तरी खरी नागभूमी ही खऱ्या अर्थाने डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचाराला खतपाणी घालणारी नागभूमी ही खऱ्या अर्थाने या राज्य व्यवस्थेवर विराजमान होऊ शकते मित्रांनो। फक्त तुम्ही एक पाऊल पुढे चलायचं आहे, आणि आपल्या राज्यासाठी आपल्या विदर्भासाठी प्रयत्न करायचा आहे। कुठलंही का असेना, विदर्भ म्हटला की आपण सगळ्यांनी एकत्र राहायचं आहे, एकत्र संघर्ष करायचा आहे, आणि हे जर सगळ्यांना मंजूर असेल तर आजची ही बौद्ध धम्म परिषद हा ठराव घेते आहे की या विदर्भातल्या भूमीवर विदर्भ राज्य जे आपलं होतं ते राज्य आपलं आपल्याला मिळालं पाहिजे, यासाठी आपण संघर्ष करू। हा ठराव आज आपण सगळ्यांनी घेतला आहे, मंजूर आहे? मंजूर आहे? आवाजी हो, धन्यवाद। हा ठराव आजच्या या धम्म परिषदेमध्ये आपण घेतलाय मित्रांनो। मी जास्त वेळ घेणार नाही, या निमित्ताने आपण एकत्रित आलात, आपण आपली या धम्म परिषदेप्रति जी श्रद्धा आणि जे समाधान व्यक्त केलं आहे त्याबद्दल मी आपले सगळ्यांचे धन्यवाद देतो, आणि इथेच थांबतो। जय विदर्भ, जय विदर्भ, जय भीम। या ठिकाणी या धम्म परिषदेचे उद्घाटक आदरणीय अनिल जवादे साहेब जे विदर्भवादी आहेत, खऱ्या अर्थाने त्यांनी या धम्म परिषदेसाठी अनमोल असं सहकार्य केलं, जे सकाळी या ठिकाणी सुंदर असं नृत्य सादर झालं होतं, ज्यांनी स्वागत गीत केलं ते सर्व त्यांनी त्यांच्या विद्यालयाची चमू या ठिकाणी बोलावली, आणि जे समोर जे बुद्धाची मूर्ती दिसते ती पण हिंगणघाटवरून अनिल जवादे साहेबांनी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली, असे या परिषदेचे उद्घाटक आदरणीय अनिल जवादे साहेब यांनी वेळेचं भान लक्षात ठेवून विदर्भाच्या बाजूने आपली बाजू मांडली। त्यांनी आपले विचार 10 मिनिटांमध्ये पण सादर करावे। पूज्यने भंते प्रज्ञाशील राजरत्नद्वारा 32वी धम्म परिषद रखी हुई है इस महिला आश्रम मैदान सेवाग्राम रोड वर्धा में, और वर्धा में यह 9वीं धम्म परिषद है। आज 13 जनवरी को कई जगह पूरे देश में धम्म परिषदें और प्रोग्राम हो रहे हैं। मैंने 3 प्रोग्राम छोड़ के इस प्रोग्राम में आया हूं और तीसरी बार आया हूं। धम्म परिषद के अध्यक्ष पूज्य भदंत शांत रक्षित महास्थवीर जी, हमारे साथी भदंत सत्यानंद महाथेरो जी और तमाम भिक्खु महासंघ, भिक्खुनी महासंघ, उपस्थित तमाम उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति में वर्धा शहर जो है नागपुर के बाद बहुत करीब है, और यहाँ पर
इस नवे धम्म परिषद में भारतीय बौद्ध महासभा के नवयुवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आयुष्मान राजरत्न अंबेडकर जी और तमाम मंच पर उपस्थित वक्तागण सभी के सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। और इस नव वर्ष में इस नव अंबेडकर युग की शुरुआत हो चुकी है, इस अंबेडकर युग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति और राष्ट्रीय बौद्ध सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते बुद्धगया महाबोधि महाविहार जो बुद्धगया में है उसका पहले सेक्रेटरी, भिक्षु प्रभारी, वहां का सुपरिटेंडेंट 6 साल महाबोधि विहार में मैंने 1995 से 2001 तक के काम किया है। और वर्तमान समय में जो बौद्धों की समस्याएं हैं उन बौद्धों की समस्याओं पर लोग चर्चा नहीं करते हैं, लोग अपनी क्षेत्रीय चर्चा करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो विजन रखा था, बाबा साहब की जो दूरदृष्टि थी, वह दूरदृष्टि आज वर्तमान समय में किसी भी नेता के पास नहीं है, केवल वह आरएसएस के पास है। बाबा साहब अंबेडकर को 1954 में बर्मा में जब वहां के प्रधानमंत्री उन्होंने निमंत्रण दिया था, बाबा साहब अंबेडकर गए थे, 7 दिन रुके थे, गुरु चंद्रमणि जी को वहां पर मिले, गुरु चंद्रमणि जी को भी 2-4 मिनट ही समय दिया था, लेकिन जब गुरु चंद्रमणि जी ने बोलना शुरू किया तो गुरु चंद्रमणि आधा घंटा तक बोलते रहे और जनता के आंखों से आंसू बहते रहे। बाबा साहब ने उसी समय तय किया कि भारत की समस्या रखने वाला यह बौद्ध भिक्षु मुझे पहली बार देखने को मिला कि अपने देश में लोगों को बता रहा है कि भारत के भूमि पर बुद्ध को जानने वाले कोई नहीं है, भारत के भूमि बंजर हो चुकी है, भारत के लोगों का दिमाग सड़ा दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन मैं इस भारत में बुद्ध धम्म को कैसे लेकर के आऊं। बाबा साहब की चिंता 1954 में डॉक्टर जो सोनी साहब थे, बीएल सोनी, उनके घर बाबा साहब 7 दिन रुके। 7 दिन रुकने के बाद वो रात दिन यही चर्चा करते थे, बीमार थे, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए बीएल सोनी के घर में बाबा साहब को नीचे ही ड्राइंग रूम में रुकाया हुआ था। मैं पिछले साल बर्मा में 4 महीने रुका, उस घर में जाकर के मिला, वहां पर सुजाता सोनी से मिला, वह इस समय 78 साल की है, पिछले साल 77 साल की थी। वो मेरे से कहती थी, मैं इसलिए गया कि एक पंजाब का आदमी हरमेश जस्सल, उसने डॉक्टर सोनी का किताब रिप्रिंट किया, बुद्धिज्म एंड वर्ल्ड पीस नाम का किताब रिप्रिंट किया, और उसने ईमेल के थ्रू उससे ऑथराइज लेटर मंगाया था रिप्रिंट करने के लिए। हरमेश जस्सल चाहता था कि मैं बर्मा में हूं तो जाकर के वो ओरिजिनल लेटर लेके आऊं। मैं जब गया वहां पर मिलने के लिए तो सामान घर बेच दिया हुआ था और सामान पैकिंग करने के लिए लोग काम में लगे हुए थे। मैं जब गया और उनसे बात शुरू की तो मैं सोचता था कि इसको हिंदी आती होगी, तो हिंदी से शुरू किया तो उन्होंने बोला प्लीज नो ये टॉक टू इन इंग्लिश। मैंने फिर कहा कि मैं इंडिया से आया हूं और मेरे को उस लेटर के माध्यम से मुझे लेके जाना है, तो उसने बोला यस आई नो, वो लेटर तो अभी कहीं रखा हुआ है, सामान का पैकिंग चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो बोलने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत हेवी थे, बहुत ऊंचे थे, बहुत स्मार्ट थे, और उनके साथ में जो लेडी थी बहुत दुबली पतली थी, और मेरे घर 7 दिन रहे, मेरे पिताजी से हमेशा बात चलती थी उनकी, बहुत डिस्कस चलता था, हाउ टू टेक बुद्धिज्म इन इंडिया, हाउ टू टेक बुद्धिज्म बैक टू इंडिया, माने भारत में बुद्ध धम्म कैसे लेके जाना है, कहां से लेके जाना है, कहां से शुरू करनी है। बाबा साहब 7 दिन तक के उस चर्चा को वहां पर करते रहे कि भारत में बुद्ध धम्म लोग जानते नहीं है, बुद्ध के बारे में जानते नहीं है, भारत में बुद्ध धम्म लेके जाना और कैसे लेके जाना है, इसके ऊपर बाबा साहब 7 दिन चिंतित रहे, चर्चा होते रहे सोनी के साथ में, क्योंकि डॉक्टर सोनी वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप के मेंबर थे, बाबा साहब के साथ में उन्होंने वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप की मीटिंग अटेंड की थी, और
बाबा साहब ने रजिस्ट्रेशन किया था वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप का। हम लोग यहां सरकार से भीख मांगते हैं, महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में दे दो, हमारे बौद्धों की यह समस्याएं हमको ये दे दो। हम भिखारी की तरह से भीख मांगते हुए इसके पास उसके पास, इस नेता के पीछे उस नेता के पीछे जाते हैं। हमने भी, मैंने अपने जीवन के 26 साल बर्बाद किए इन नेता उन नेता के पीछे पीछे जाते जाते। जब भंते सुरेश ससाई जी के पास में भंते बनने की बारी आई तो ये हमारे पूज्य भंते जी शांतरक्षित जी जो है, जिनको मैं जानता था, इन्होंने मुझे लेके गए। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट 1 डैन तक के पढ़ा हुआ था, एमए पाली से किया हुआ था, नागपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए गया था। मैं चाहता था कि मेरा पीएचडी भी आगे बढ़ता रहे और मेरा मार्शल आर्ट भी बढ़ता रहे। लेकिन भंते सुरेश ससाई जी के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे कमांडर जीप दी और बुद्ध गया के आंदोलन को लेकर के बिहार में भेजा, गुजरात में भेजा, कर्नाटक में भेजा, और तब से आज तक के वो आंदोलन को लेके पूरे देश भर रात दिन चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। 6 साल बुद्ध गया में रहते समय हमने देखा कि सारे दुनिया के बौद्धों का डोनेशन आता है और वो कहाँ कहाँ जाता है। मैं 2003 में वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप के ऑफिस में बैंकॉक में गया था। वहां जाने के बाद वहां पर हमारी बात कोई सुनने वाला भी नहीं था, वहां की हालत खराब थी। फिर उसके बाद बर्मा से लौटते समय में बैंकॉक में गया दिसंबर में। वहां जाने के बाद देखा तो मेरे से जब बातचीत हुई, सारे लोग बहुत बड़े प्रोग्राम में बाहर देश गए हुए थे, केवल ऑफिस में 2-3 महिलाएं थी। उनसे जब बातचीत की और मैंने 2003 के पुराने फोटो दिखाए तो वो महिला बोलने लगी, ये मेरा हस्बैंड था, आप इनसे मिल चुके हैं? हाँ भाई, मैं बहुत साल पहले मिल चुका हूं। उन्होंने बोला, यू नो वी आर वेरी, यू आर वेरी लकी पीपल ऑफ इंडिया। मैंने बोला, किस बारे में? अरे भारत का बौद्धों का प्रधानमंत्री पहली बार बौद्ध प्रधानमंत्री है, इसलिए तुम भारतीय लोग बहुत खुशहाल हो, बहुत भाग्यशाली हो। मैंने बोला कि ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा, अरे ये तो खुश नहीं हुआ, उनको लगा मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने बोला, आप लोग इंडिया में आओ, मैं किसी गांव में ले जाकर 10 लोगों से मिलाता हूं और वो कहे कि भारत का ये हमारा बौद्धों का प्रधानमंत्री है। इतना बड़ा झूठ विश्व के अंदर फैलाया जा रहा है। मेरे से, मुझे भी वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप की मेंबरशिप चाहिए थी, मुझे तो फॉर्म दिया, लेकिन मेरे से कहा कि, बोला कि आप डू यू नो वेनरेबल राहुल बोधी, भंते राहुल बोधी को जानते हो? हाँ भाई, मैं तो बहुत सालों से जानता हूं, श्रीलंका में पढ़ रहे थे तब से जानता हूं। डू यू नो रामदास आठवले? मैंने बोला, मैं तो कॉलेज में पढ़ रहा हूं तो तब से देखता हूं, मैं औरंगाबाद में पढ़ा हूं। तो बोला, जब वेनरेबल राहुल बोधी रिकमेंड करेंगे तब आपको मेंबरशिप मिलेगी। मैंने बोला, मुझे मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, मैं भारत में बहुत काबिल हूं, हम भारत के बौद्ध लोग जो है वो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम किसी रिकमेंडेशन के मोहताज नहीं है। यह दिसंबर की घटना है। मैं बधाई देता हूं आयुष्मान राजरत्न अंबेडकर जी को कि जिन्होंने जापान में जाकर के ये बौद्धों की आवाज को रखा और बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के इश्यू को रखा। क्योंकि अकोला में हमने आज से 10 साल पहले 2-3 मीटिंगें हुई, अकोला में आयुष्मान राजरत्न अंबेडकर जी को हमारे भदंत आनंद महास्थवी राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के, उन्होंने बार बार कहा था कि मैं बाबा साहब अंबेडकर के पूरे घराने से परिचित हूं, लेकिन आज भी बाबा साहब के घराने में धार्मिक व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी है वो अधिकतर राजनीति की ओर काम करने वाले लोग हैं, और बौद्धों की समस्या कौन हल करेगा? बाबा साहब का एक बेटा जो बहुत प्रिय था राजरत्न, जिससे बाबा साहब को बड़ी अपेक्षाएं थी, बाबा साहब बहुत रोए उसके लिए, वो राजरत्न चला गया। लेकिन एक राजरत्न जो अभी वर्तमान में है, ये राजरत्न से हम अपेक्षा करते हैं कि भारत प्रबुद्ध भारत कैसे निर्माण हो। भदन आनंद महास्थवीर ने 10 साल पहले अकोला में कहा, और उसके बाद आयुष्मान राजरत्न जी अंबेडकर बोलने में थोड़े होकल हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। साथ ही साथ उन्होंने अनुभव लिया, भिक्षुओं की समस्याओं को देखा, एक भिक्षु दूसरे की बुराई करता है और एक दूसरे में ये उससे बुराई करता है, और झूठे भिक्षुओं की संख्या भी देश में बहुत है। आपके समय आपको तो दिखाई कम देते होंगे, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा है, विदेशों में बहुत ज्यादा भारत के ब्राह्मणवादी लोगों के भंते लोग बहुत ज्यादा संख्या में है, बुद्ध गया में बैठे हुए। आप लोग नहीं जानते हैं, ऑल इंडिया भिक्खु संघ का जो भी कारोबार देखने वाला भंते, जिस पर आप भरोसा करते हैं बुद्ध गया में, वो बुद्ध गया महंत ने रखा हुआ आदमी है। बुद्ध गया के अंदर में
1995 से मैंने काम करते समय कितने संकटों को झेला होगा, गोलियां और बंदूकें और क्या क्या नहीं चला, कितने षड्यंत्र हुए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की प्रेरणा से, बाबा साहब को पढ़ने की वजह से, मैं तो मैट्रिक तक के बाबा साहब के बारे में अच्छे से जानता भी नहीं था, लेकिन बाबा साहब का जीवन चरित्र पढ़ने के कारण औरंगाबाद में पढ़ने को गया। औरंगाबाद में मैंने पाली भाषा सीखा, बुद्ध धम्म को सीखा, और वहां से सीख करके फौजी बनना था, बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनना था, लेकिन मैंने पीएचडी करते समय जब उसका काम शुरू किया तो देखा लालू जी ऐसे थूक रहे हैं और आईएएस ऑफिसर अधिकारी कटोरा लेके सामने खड़ा हुआ है थूक झेलने के लिए। मैंने बोला थूए मेरी जिंदगी पे, मुझे नहीं बनना है आईएएस अफसर। मैंने पलट के भी नहीं देखा, मैंने एग्जाम दिया पलट के भी नहीं देखा, मैं जीऊंगा तो शान से, मरूंगा तो शान से। बाबा साहब ने शान से जीने के लिए बुद्ध का धम्म दिया, लाचारी के लिए नहीं दिया, दरिद्रता के लिए नहीं दिया, भीख मांगने के लिए नहीं दिया। मुझे ये बात बहुत जची, क्योंकि हम हमारे देश के सरकार से क्यों मांगे, वो तो स्वयं ही भिखारी है, सारे दुनिया में कटोरा लेकर के घूमते हैं, बुद्ध के नाम पर मांग के लाते हैं और यहां दंगा फसाद करते हैं। मैं 1998 में जापान में गया, क्योटो के अंदर में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में मेरे को मुंबई के सोमैया इंस्टीट्यूट की वहां की मैडम मेरे से कह रही है कि अभी वर्ल्ड यहां पर रिलीजन मीटिंग हुई थी, उसमें आप क्यों नहीं आए, अशोक सिंघल, विनय कटियार, आचार्य जुगल किशोर, विष्णुहरी डालमिया, ये तोगड़िया, ये सारे के सारे भारत के बौद्ध आए हुए थे, आप नहीं आए, आप नहीं आए, यू आर फ्रॉड मैन, आप झूठे आदमी हो, मेरे से कह रहे झूठे आदमी हो। मैं गया काय के लिए था, महाबोधि विहार की दीवारें क्रैक हो गई थी, महाबोधि विहार के दीवारों पर बेड़ उग गए थे, मैं उसको फंड के लिए वहां लोगों से अनुरोध करने गया, लोगों से दान मांगने गया हुआ था कि महाबोधि विहार की दीवारें क्रैक हो रही है और उसको रिपेयर करना है, उसके लिए दान चाहिए। वहां के अखबार के अंदर में जब मेरी बात छपी, मेरे से दो तीन पत्रकारों ने झगड़ा किया, यू आर फ्रॉड मंक। मैंने बोला हाउ फ्रॉड, मैं बिहार सरकार की ओर से महाबोधि विहार का नियुक्त सुपरिटेंडेंट हूं, सेक्रेटरी हूं, मेरी जिम्मेवारी है महाबोधि टेम्पल को रिपेयर कराना, उसकी देखभाल कराना। ये बात जब वहां के अखबार में छपी तो यहां पर महाबोधि सोसाइटी नाम की संस्था जो है, जो अनागरिक धम्मपाल जी ने स्थापित की वाली संस्था है, यहाँ के बड़े भंते लोग सेक्रेटरी बुद्धगया में आकर के मेरे से कहने लगे कि वहां अखबार में छपा हुआ है, उसके बारे में क्या। मैं बोला जो छपा है सो छपा, मेरे पर केस चले, दो दो केस चले, और केसों को भंते आनंद ने, मैंने भी जो भी वैयक्तिक दान आता था उससे लड़ा। बौद्धों की समस्या सर्वोपरि समस्या है और भारत देश की सारी समस्याओं का समाधान तथागत बुद्ध का धम्म ही करा सकता है। तथागत बुद्ध के धम्म से बाबा साहब ने तथागत बुद्ध का धम्म ही क्यों दिया, ईसाई बन जाते, धन मिलता बहुत, नौकरियां मिलती, मुसलमान बन जाते। उस समय हैदराबाद निजाम सरकार ने कहा था बाबा साहब बौद्ध ही क्यों बने, समस्त समस्याओं का समाधान बुद्ध के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि युद्ध का समाधान बुद्ध है और बुद्ध का समाधान बाबा साहब इस देश को देकर के गए और हम लोग इधर उधर उलझे हुए हैं। आयुष्मान राजरत्न अंबेडकर साहब, आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने वो 1954 में बंद पड़ा हुआ जो रजिस्ट्रेशन था उसका पुनर्रजिस्ट्रेशन किया और आज जितने भी बौद्ध महासभा या भारतीय बौद्ध महासभा के लोग जो भी है उन्होंने उसका पुनर्रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अभी अभी औरंगाबाद में पीटीआई के एक पुराने पत्रकार और बहुत अभी उम्र हो गई नागेश गजबिया साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि भंते जी ये राजरत्न अंबेडकर फ्रॉड आदमी है, उसका आप साथ क्यों देते हो। मैंने कहा कि एक नवयुवा भंते हैं, वर्धा में रहता है और उसने दो तीन बार मुझे आमंत्रित किया है, वो राजरत्न अंबेडकर और दूसरे नवयुवा राजरत्न जो अंबेडकर है, ये दोनों राजरत्न दोनों के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग नवयुवा है, झगड़े करना हमारा काम नहीं है, कोर्ट में जाना हमारा काम नहीं है, कोर्ट में लड़ाई लड़ना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है जनता को जगाना और आगे आगे बढ़ना। लड़ने का काम, झगड़ने का काम हमारा नहीं है, जीवन में समय बहुत कम है। बाबा साहब अंबेडकर को एक ब्रिटिश पत्रकार ने पूछा, डॉक्टर अंबेडकर नेहरू ये बोलता है, गांधी वो बोलता है, इस अखबार में ये लिखा है, उस अखबार में वो लिखा है, इसका आप जवाब क्यों नहीं देते। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत समय कम है,
मुझे 7 मिनट 7 करोड़ मेरे जनता के लिए देना बड़ा मुश्किल है, और मैं इनके जवाब देकर क्यों करूं? मैं इतना मूर्ख और पागल नहीं हूं कि उनके सवालों के जवाब देने में अपना समय बर्बाद करूं। उसी तरह से आप लोग प्रवचन, गाने, ताली बजाना, हंसना, मजाक करना, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इसे ऐसे बर्बाद मत करो, इधर उधर बर्बाद मत करो। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल बनता है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनता है, और 3 मिनट में क्या करना है, 3 मिनट में क्या बोलना है, 2 मिनट में क्या बोलना है। जब आप विश्व स्तर पर जाओगे तो आपको समय 3 मिनट का समय मिलता है, 3 मिनट में क्या मुद्दा रखना है, कैसे रखना है। अभी आप लोगों को मजाक लगता है, मैं बर्मा में रहा हूं, भंते मंच पर बैठता है और एक प्रवचन देने जाता है 30 लाख 40 लाख रुपए महीने लेते हुए, उनको दान देते हुए देखा है बर्मा के अंदर में, प्लेन के अंदर में भंते को लेके ले जाने आने वाले देखते हैं। हमारे यहां तो भंते लोगों का मजाक बनाया हुआ है, क्यों? कि भंते लोगों ने भी अपनी काबिलियत हासिल नहीं की, और इसी कारण भारत में बुद्धमय जो बनना चाहिए था वो बुद्धमय बनने का भी काम लोग बौद्ध तो कहते हैं लेकिन गवर्नमेंट में अपना पुराना सरनेम छोड़ने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहते। आयुष्मान राजरत्न अंबेडकर जी, आप बाबा साहब ने 1954 में जिस काम को जहां से शुरू किया, उस काम को जो गंदे संदे नाम है, गाल फाड़े, तोंड फाड़े, आग लावे, वो कभी सर जो किलो में बम गोले में आग लगाते थे वो आग लावे थे। अभी बम लगाने का जमाना नहीं है, आज तोप खाने का जमाना नहीं है। वाघ धरे वाघ मारे, वो उस समय में थे, वाघ पकड़ते भी थे और मारते भी थे। आज वाघ धरे और वाघ मारे माने क्रिमिनल आदमी माने उसके नाम से ही वो क्रिमिनल है, कैसे बुद्धिस्ट होगा, कैसे पंचशील का पालन करने वाला होगा। ये गंदे संदे नाम छूटने चाहिए, खत्म होने चाहिए। बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो। मैं 2004 में भी मेरा झगड़ा हुआ, कहां पर, अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। मैंने कहा भारत में 5 करोड़ बौद्ध है, उन्होंने बोला आपके पास क्या सबूत है, अब क्या सबूत देता। मैं बोला आपके लोग सारे के सारे झूठी जनगणना करते हैं, पेंसिल से जनगणना करते हैं। तो उस आदमी ने बोला आप थोड़ा शांत रहिए और अकेले में मिलिए। डॉक्टर शफी कुरैशी, वो अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझसे कहने लगे मैं भी बौद्ध हूं। मैंने बोला कैसे, तो बोला कि कश्मीर का राजा रिंचेन वो बौद्ध था, जब वो मुसलमान बना तो सारे के सारे कश्मीर के लोग मुसलमान बने। तो हम पहले बौद्ध थे और मुसलमान राजा बनने की वजह से हम भी मुसलमान बने और हम भी बौद्ध हैं। तो इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, उस पर ध्यान देना है हमको, और इसके लिए हमें काम करना है। बहुत नवयुवा है, हम तो थक चुके हैं, अभी भंते जी भी थक चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भदन आनंद भी थक चुके हैं, 25-26 साल से गला फाड़ फाड़ करके पूरे देश में घूम रहे हैं। इसलिए नवयुवाओं से हम अपेक्षा करते हैं, आयुष्मान राजरत्न अंबेडकर जी से अपेक्षा करते हैं कि सरकारी लोगों का नामकरण जो बौद्ध अनुरूप हो, दुनिया का कोई भी आदमी देखे कि भारत में कितने बुद्धिस्ट है, वो गूगल पे सर्च करे, उसके नाम से उसके काम से वो बुद्धिस्ट पता चले। भारत बुद्धमय था, भारत बुद्धमय है, भारत बुद्धमय रहेगा। जब तक आप अपने से बौद्ध नहीं बनोगे, जब आपका जो पेपर के ऊपर में आपका नाम नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आप बौद्ध नहीं होंगे, आपके घर की रजिस्ट्री बौद्ध नहीं होगी, तो दूसरे कैसे पेट भरेगा। आपको अपना करना पड़ेगा। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, मैं 2-3 सभाएं इसीलिए छोड़ के आया कि 2-2 राजरत्न यहां पर मौजूद है, और बाबा साहब की क्रांति नागपुर से हुई, और महाराष्ट्र के लोगों से अपेक्षा करते हैं। मैं गुजरात से आ रहा हूं, रात को 2-3 दिन के लिए गुजरात में गया था। लोग मेरे से झगड़ा करते हैं, पूछते हैं वो अंबेडकर जो है उसके साथ में आप क्यों साथ देते हैं। मैं मंच पे अभी दिखाई दे रहा हूं, पहले तो मैंने पिछली धम्म परिषद में हॉल के अंदर में उनका स्वागत भी किया था और एक पदक भी दिया था, लेकिन अभी मैं अपनी बात उनके सामने रख रहा हूं, और तमाम लोग मंच पर बैठे हुए जितने भी है कानून के जानकार भी है, लेकिन लीगल बुद्धिस्ट जब तक नहीं बनोगे तब तक के हम लोग इलीगल बेकायदेशीर लोग हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, बौद्धों की बात नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे 2-3 भंते यूपी के अंदर जेल के अंदर बंद है, क्यों कि हमारे एक भंते चंबल के घाटी में जो है शिलानंद, उसने केस डाल दिया, बोला कि ये भंते लोग नॉन बुद्धिस्ट के घर में शादी क्यों लगाए, आप लोग लीगल बुद्धिस्ट बनिए तो हमको बुलाइए, हम आशीर्वाद देने को आएंगे।
अगर आप बुद्धिस्ट नहीं है, नाम के लिए केवल दिखाने के लिए बुद्धिस्ट है, तो हम अगर शादी लगाने या कोई संस्कार में जाएंगे, हम पर केस कर सकता है कोई भी बुद्धिस्ट, बोलेगा कि तुम नॉन बुद्धिस्ट के अंकाय को गया। तो इसलिए बुद्धिस्ट बनिए, कानूनी बनिए, और जब तक कानून में नहीं बनोगे आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आपका कब्रस्तान अलग होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हिंदू के कब्रस्तान में जाओगे तो भूत प्रेत बनोगे। बाबा साहब ने भूत प्रेत बनने से बचाया, 84 लाख योनि से भटकने से बचाया। आपको बौद्ध क्यों बनाया? इंसान बनाने के लिए बनाया। इसलिए हिंदू का कब्रस्तान गलती में भी बुद्धिस्ट को नहीं ले जाना चाहिए। मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।